तो हाय फ्रेंड्स, शाम की पूजा के लिए मैं तैयार होने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं 16 सिंगार करने वाली हूँ, एक दुल्हन की तरह रेडी होने वाली। तो चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। और मैं यहाँ शाम के खाने में बनने वाला है, पूड़ियाँ तो बन गई हैं और सब्जी बनेगी, गुजिया भी बन गई थी तो गुजिया भी सब लोग खा लेंगे। ये पूड़ी है, गुजिया और आलू बरबटी और टमाटर की सब्जी बनेगी सूखी, पूड़ी के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। ये सब्जी बना लेते हैं और ये पूजा की पूरी सारी प्रिपरेशन मैंने कर दी थी पहले से ही। जो भी चीज़ें होती हैं, जितनी सारी चीज़ें उसमें लगती हैं, तो सब मैं कर दी थी। और ये मैं चौकी भी रेडी कर ली हूँ। सब पूजा की सारी तैयारी हो गई है बस। और ये लौंग इलायची थोड़ा सा ध्यान से स्किप हो गया था। वैसे तो ये पूजा बहुत सारी लेडीज मिलकर करती हैं, लेकिन यहाँ परदेश में ये सारी चीज़ नहीं हो पाती, तो हम खुद अकेले ही पूजा कर रहे हैं। जो भी जैसे मुझे स्टार्टिंग में सिखाया गया था, तो ये सभी में जिसमें जिसमें स्वास्तिक का निशान बनाना है, जैसे नारियल और कलश में, सब में, पान के पत्ते, सारी चीज़ में मैं बना दी हूँ। और मैं यहाँ शिव जी को स्नान करवा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं पानी से फिर दही से स्नान करवाऊँगी, क्योंकि आज पहले शिव जी को पंचामृत स्नान होगा और आज उन्हीं का दिन है, शिव जी और गौरा पार्वती का दिन है, तो उनके मन की चीज़ें करना तो बनता है। और आज बहुत खुशी का दिन है। और आप लोग क्या कैसे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो हम भगवान जी को अच्छे से नहला देते हैं, दही से नहला के अच्छे से। और अब मैं दूध से नहला देती हूँ। फिर पानी से, फिर भूरा से, फिर पानी से, फिर शहद से, तो यही सारी चीज़ों से मैं नहलाऊंगी। तो आप लोग देखिए मैं कैसे नहला रही हूँ शिव जी को। शिव जी का हमारा नहाना हो गया है। अब उनको हम एक थाली में रख लेते हैं पूजा करने के लिए। तो उसमें स्वास्तिक का निशान बना दिए थे, अब उसमें हम रख देंगे, इसके बाद हम पूजा करेंगे। तो पूजा वही, यहाँ कोई आचार पंडित नहीं है, मैं खुद से कर रही हूँ, तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएगी, तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। भगवान शिव जी मुझे माफ़ करेंगे, यहाँ सारी चीज़ें उतना नहीं हो पाती हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस जितना मुझे बताया गया था स्टार्टिंग में, वही मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो ये मैं सबसे पहले शिव जी को सफ़ेद चंदन लगाते हैं, तो वो चंदन मैं लगा देती हूँ। सभी देवी देवताओं को चंदन लगा देती हूँ। तो जो भी गौरा पार्वती, गणेश जी और शिव जी हैं, उनको सबको चंदन लगा देती हूँ। इसके बाद तो शिव जी के लिए, गणेश भगवान के लिए कलश और सारे जितने भी मतलब होता है, तो 5-7 जनेऊ बनाते हैं, तो मैं जनेऊ बना ली हूँ और सभी भगवान को मैं जनेऊ अर्पित कर दूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे मंत्र बोल के। और ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है, जितना भी मुझे पता है उस हिसाब से मैं पूजा पाठ कर ली हूँ। मुझे भी पता है कि ये पूजा सब लोग मिल के करते हैं तो और बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ें बाहर शहर में नहीं हो पाती हैं। और मैं फूल, बेल पत्ती, बेल का फल
और धतूरा जो भी मुझे मिल पाया था वो सारी चीज़ें मैं ढूंढ ली थी जितना मुझे मिल पाया था। कोशिश तो पूरा करते हैं इंसान लेकिन मिल नहीं पाता है। तो जो जिनको दुर्वा चढ़ाना उनको दुर्वा चढ़ा दूंगी, और जिनको बेलपत्री शिव जी को चढ़ेगा और गौरा पार्वती को सबको, तो बेलपत्री चढ़ता है, धतूरा भी मुझे दो धतूरा मिल गए थे, बेल का फल भी मिल गया था, तो उस बहुत खुशी मैं बहुत हैप्पी हो गई थी कि चलो बेल का फल तो मिल गया कम से कम। और बेल की पत्तियाँ तो मैं सुबह ही ले ली थी, सारी चीज़ों को मैं धो के सब कुछ रेडी कर ली हूँ, तो चलो शिव जी की मैं कर रही हूँ पूजा। तो बस हम यही बोल रहे थे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बस यही मंत्र का जाप कर रहे हैं। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन जितना मुझे सादा सिंपल से ही मैं पूजा कर पाई हूँ। और शिव जी को सफ़ेद पुष्प चढ़ते हैं तो उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ा दी हूँ, और गणेश भगवान को पीला चढ़ते हैं तो पीला चढ़ा दूँगी, सॉरी उल्टा हो गया था फूल, सीधा रखना चाहिए, तो ये मैं रख दी हूँ। और कुछ इसी तरीके से हमारी पूजा जो फल हैं उनको चढ़ा दूँगी एक एक करके। तो सब आज तीन तीन का चढ़ता है, सब तीन तीन के जोड़े में रहते हैं क्योंकि तीज है, सब तीन तीन के जोड़े में। तो मुझे फल में मिला था एप्पल और केला मिला था, और गौरा पार्वती को चुनरी उड़ा दी हूँ, तो ब्लाउज का पीस ले ली थी वो उड़ा दी हूँ उनको। और जो सिंगार है चूड़ियाँ बिंदी जो भी सिंगार होते हैं गौरा पार्वती माता के, तो मैं चढ़ा उनको अर्पित कर दूँगी। तो वहाँ पास रखते नहीं बनेगा तो मैं सब थाली में ही रख दूँगी, सोच रही थी साइड में रख दूँ लेकिन वहाँ से गिर रहा था, तो सब थाली में रख देते हैं। और फल में एप्पल है, केला है, खीरे हैं, बस यही तीन फल मिले थे ये चढ़ा दूँगी। और इसके बाद मैं शक्कर पारे चढ़ा रही हूँ, इसके बाद फिर लड्डू चढ़ा रही हूँ गणेश भगवान के लिए लड्डू, और गुजिया है, पापड़ है बेसन की, ये पूड़ी है, तो यही जो भी हमारे पास है उस चीज़ में चढ़ा देती हूँ। और इसके बाद पंचमेवे यही सब भोग लगते हैं, तो जो जो चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में बताया गया था वही चीज़ मैं चढ़ाती हूँ। और जो जो आपके पास सामर्थ्य के अनुसार हो आप चढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ चढ़ाना ही है, जितना आपके पास व्यवस्था बने उस हिसाब से भगवान चढ़ा दीजिए। ये मैं चावल ले ली हूँ हाथ में, तो अब चावल लेके ही कथा पढ़ते हैं, इसके बाद मैं आरती करूँगी। तो कहा जाता है कि ये हरितालिका तीज सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, निर्जला रात दिन का व्रत होता है और इसमें हवन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हवन कुंड की पूजा कर लूँगी और उसको अच्छे जल घुमा लेते हैं तीन बार, और इसके बाद हवन करूँगी। थोड़ा सा आरू परेशान कर रही थी, किसी के पास नहीं रह रही थी तो मेरे गोदी में आके बैठ गई थी, बट कोई नहीं बच्चे हैं करते हैं। तो ये चटाई थी इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, इसके बाद मैं हवन कर लेती हूँ। तो हवन में हवन सामग्री तिल चावल जो भी हवन सामग्री है उसमें मैं चावल गुड़ घी ऐड कर दी हूँ थोड़ा सा, तो हवन हो गया है। कुछ इस तरीके से हमारी पूजा हो गई है शाम की कंप्लीट। तो अब रात्रि जागरण चलेगा रात भर, और इसके बाद मैं आपसे सुबह मिलती हूँ। मैं अब सुबह मिलूँगी तो नहा धो के मैं आ गई हूँ। कैसे हो आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये हरितालिका तीज की रात है, अभी हो रहे हैं 4:30 की जो भी पूजा है उसको कंप्लीट करते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। तो जो कलश रहता है और रात भर जलता है तो जल ही रहा है। इसके बाद मैं आरती की थाली फिर से दोबारा रेडी कर ली हूँ, तो मुझे करनी है आरती। तो सबसे पहले धूप जलाते हैं, इसके बाद मैं आरती करूँगी, तो गणेश जी की शंकर जी की आरती करूँगी, फिर उनका उनसे श्रृंगार लेते हैं गौरा पार्वती से, तो वो सब करूँगी। चलो कर लेती हूँ आरती। चलो आरती कंप्लीट हो गई है, अगर पार्वती माता को श्रृंगार करते हैं फिर खुद श्रृंगार करेंगे, तो ये चीज़ें किया जाता है।
गौरा पार्वती माता से श्रृंगार वो हमको देंगी। तो ये हाथ की छोटी वाली उंगली से और आँचल से एक साथ फंसा के ऐसे मुझे सिखाया गया था, तो यही ऐसे करके मैं सिंदूर ले ली हूँ। अब ले लूँगी बिंदी, इसके बाद चूड़ियाँ। तो जो श्रृंगार ऐसा चूड़ी वगैरह चढ़ाए जो आपके खुद के हाथ में हो जाए ऐसी वाली, ताकि आप श्रृंगार ले सकें, उस हिसाब से ही मैं चढ़ाई थी। तो चलो गौरा पार्वती माता मुझे श्रृंगार दे दी हैं, मैं चूड़ियाँ हाथ में पहन लेती हूँ। इसके बाद जो भी हमसे गलती हुई होगी उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, वो हमें हमेशा माफ़ करती हैं। वो हम लोग कुछ भी नहीं हैं, आप तिनका मात्र हैं, हम कौन होते हैं उनकी सेवा करने वाले। तो जो भी क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, और पुष्प और बेलपत्ती कुछ ऐसे आँचल में रखते हैं, तो ये रख लिए हैं। और प्रसाद के रूप में खीरा, खीरा बहुत ज़रूरी होता है, खीरा हमें ले ली हूँ। तो इसी से व्रत खोला जाएगा और विसर्जन कर देते हैं, तो सबको उनकी जगह से थोड़ा थोड़ा हिला देते हैं। इसके बाद यहाँ से हो गया विसर्जन, फिर से प्रार्थना कर लेंगे, जो भी हमसे गलती हुई हमें माफ़ करिएगा माता जी, हम कुछ भी नहीं जानते। तो मैं सिप्रा को दे देती हूँ, उसको भी प्रसाद दे देती हूँ। तो खीरे से और ही आज का खोला जाएगा। तो चलो हम खीरा खा लेते हैं, ये खीरा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आज के दिन, इसी से आज हरिताल के तीज का व्रत खुलता है। अब बनेगा खाना, तो खाना में बनेगा कढ़ी चावल। चलो फटाफट से कढ़ी चावल बनाते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं, तो शेयर करूंगी रेसिपी, देखती हूँ कर पाती हूँ। तो हलवा और कढ़ी, ये हलवा बन रहा है इधर, और इधर बन रही है बूंदी। और हम सिप्रा को बुला लिए थे, तो हाय बोलो सिप्रा। हाय। बुला लिए थे क्योंकि अकेले परेशान हो जाते, और भी परेशान करती है, शाम को आ गए थे वो लोग। चलो और बताओ क्या कैसे हैं? बहुत ही अच्छा रहा यार तीजा का व्रत, तो बहुत ही अच्छा रहा सच में, एकदम जरा से भी फीलिंग नहीं हुई कि हम व्रत हैं कि कुछ भी, एकदम पूरा फुल एनर्जेटिक अभी भी है। और आप, आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को हमारी तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। हमारी तरफ से भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो मैं बिल्कुल देसी तरीके से बूंदी की कढ़ी बना रही हूँ, इसको करी बोलते हैं हमारे यहाँ। इधर हलवा बना रही हूँ, कान्हा जी की पूजा भी नहीं हुई है, उनकी पूजा करूँगी, भोग लगाऊंगी, इसके बाद ही हम लोग खाना पीना खाएंगे। तो करी निकाल लेती हूँ। तो करी कुछ इस तरीके से बनाते हैं, बेसन को हल्का, ज़्यादा गीला नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं फेंटते, कुछ इस तरीके से, और इसकी करी बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है। तो आज ये कढ़ी चावल हर घर में बनेगा, 90% लोगों के यहाँ कढ़ी चावल बनेगा ही बनेगा। तो उसमें रिफाइंड का तेल डाला था, तो मैं यहाँ सरसों का डाल दी हूँ, और जो दही थी उसको मिक्सर में डाल के अच्छे से फेंट लूँगी, क्योंकि फेंटने का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसमें मिक्सर में डाल दो अच्छे से फेंट जाएगा। एक बार चला दी हूँ, बहुत ही अच्छे से फेंट गया है। और जो बेसन की करी बनाई थी उसमें बेसन बच गया है, उसको कढ़ी बना लूँगी उसी से। तो इसको भी मैं मिक्सर के जार में डाल देती हूँ, इसमें जो गुठलियाँ वगैरह वो अच्छे से फेंट मिक्स हो जाएंगी, एक सौ हो जाएगा। तो यही रहता है, तो बेसन और दही अच्छे से फेंट दी हूँ, तो आप आराम से फूलता रहेगा, हो जाएगा। इधर चावल रख देती हूँ, सिप्रा ने चावल रख दिया, तो ये डाल दी मेथी, जीरा और थोड़ा सा सरसों, अभी कड़ी पत्ता नहीं लाई थी, सुबह का टाइम है, थोड़ी देर से लाऊंगी। और इसके बाद प्याज, लहसुन, मिर्च अच्छे से डाल दी हूँ, और ब्राउन हो जाएगा। तो इसमें हम, तो जो दही और बेसन का घोल बनाई थी उसको हम डाल देंगे, तो अच्छे से इसमें बघार लग जाएगा, और इसको पूरा डाल देते हैं। तो हमें लग रहा था कि गाढ़ा है, इसमें और पानी भी ऐड करेंगे, तो इसमें डाल देते हैं नमक, हल्दी। तो सबसे पहले पानी डाल देते हैं कि कितना हमें चाहिए, ताकि ज़्यादा खट्टा भी ना हो, और अच्छी पतली कढ़ी इधर से अभी से बनाएंगे, तो फिर उधर जब अच्छे से पक जाएगी तो गाढ़ी हो जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें डाल दी है हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से चला लेंगे ताकि माठा फटे नहीं, कंटिन्यू हम चलाते जाएंगे। तो आज के दिन कढ़ी का ही ज़्यादा महत्व है, हर जगह कढ़ी बनेगी, 90% लोगों के यहाँ कढ़ी बनेगी ही बनेगी, फिक्स रहता है। और खाना बनाते बनाते 6:30 बज चुके हैं, और ये कढ़ी जब तक इधर अपना बनाती रहेगी,
तो ये बूंदी डाल दी है, सिप्रा ने इधर डाल रही थी, हम उधर कान्हा जी को जगा दिए, उनकी भी पूजा पाठ जो भी है सुबह की वो मैं कर दूंगी। जब तक इधर बन रहा है कढ़ी, चावल बन गया है। कढ़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए एक उसमें तड़का देंगे, क्योंकि इसमें कड़ी पत्ता नहीं डाला था, और एक तड़का दे दो तो और कढ़ी का स्वाद दोगुना हो जाता है। थोड़ा सा सरसों का तेल डाली हूँ तड़का पैन में, और उसमें डालूंगी थोड़ी सी मेथी, थोड़ी जीरा और सरसों और कड़ी पत्ता। तो सारी चीज़ें अच्छे से ब्राउन हो गया, उसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, कलर इससे बहुत ही अच्छा आता है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। ये हम इसमें तड़का दे देते हैं। कढ़ी हमारी बन के रेडी है, अब हमारा पूरा खाना बन के रेडी है। आ जाइए फटाफट से, आप लोग भी खा लीजिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब कुछ कंप्लीट हो गया है और पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है। अब अभी टाइम हो रहा है साथ में खाना भी खा ली हूँ, तो खाने में बना था कढ़ी चावल। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट।